मनोकामना पूर्ण करने पर ये यात्रा मणिमेश करते हैं। लेकिन मनोकामना पूर्ण होने के बावजूद ऐसे भी छड़ियों का जो यह है प्रश्न है, छड़ियां हर साल जो मणिमेश दल में राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर स्नान करने के हेतु जाती हैं, तो दूर दूर से यात्री इस यात्रा में भाग लेते हैं। वैसे तो ये यात्रा लाखों की तैदाद में बाबा मणिमेश के उस पवित्र स्थान के उस डल पर जाती हैं, लेकिन कोरोना काल को देखते हुए डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से जो भी प्रोटोकॉल्स, जो भी गाइडलाइंस मिली, उसके मुताबिक जितनी भी परमिशंस, थोड़ी थोड़ी परमिशंस मिली है, जितने जितने भी यात्रियों को परमिशन मिली है, यात्रा के उस परमिशन के अनुसार ही आदमी अपने जत्थे को आगे चला रहे हैं। और इसमें आज के इस मणिमहेश ट्रस्ट की यात्रा के अध्यक्ष श्री जगदीश ठाकुर जी और जनरल सेक्रेटरी श्री सतीश कुमार जी और छड़ी सेवक जो हैं वो प्यार सिंह जी, श्री प्यार सिंह जी और उनके साथ श्री जनक सिंह जी और अन्य जितनी भी पार्टी आज इस मणिमहेश कमेटी की जो इस छड़ी यात्रा में शामिल है और छड़ी को मणिमहेश की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। मैसेज हर जगह यही है कि महामारी की वजह से पिछले 2 सालों से ये यात्रा कुछ खास नहीं चल पाई, रुकी हुई थी, लेकिन मान्यता के अनुसार यात्रियों में ये जो छड़ियाँ वगैरह जो भी इसके चिन्ह होते हैं, भोलेनाथ की कृपा से ये डल स्नान की उस शुभ तिथि पर राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर छड़ियों को वहाँ पर लिया जाता है। और ये पारंपरिक यात्रा है, सदियों से बुजुर्गों से चली आई ये यात्रा, जो हर साल बाबा मणिमहेश के उस डल पर स्नान करने हैं तो जाती हैं और अपने मनोकामना पूर्ण हैं तो जाती हैं। तो चंबा के चौगान में यहाँ पर परिक्रमा होती है, आज का यहाँ पर छड़ियाँ का यहाँ पर डेरा होता है, उसके बाद कल हम भरमौर में जाएंगे, बर्महानी नहाने के बाद भरमौर से आगे परसों भंडारा होगा, भंडारा होने के बाद हम धनचो की ओर रवाना होंगे और 13 सितंबर को दल पार करने की रस्म है और पर भी जो है वो 13 सितंबर को है, 13 सितंबर को स्नान होगा और स्नान करने के पश्चात यात्रा जो है पूर्ण रूप से फिर वापसी होगी। भोले बाबा की कृपा से हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये कोरोना काल जो है जल्दी से जल्दी यहाँ से दूर हो जाए, सभी के घर परिवार में सुख संपत्ति हो, छोटे छोटे बच्चे, नौनिहाल बच्चे स्कूल जाएं और घर में सामान्य जिंदगी वापस आ जाए, इसी भाव से, इसी श्रद्धा से आज की ये यात्रा का यहाँ पर मैसेज पूरे चंबा निवासियों को, यहाँ पर इस धरती को नमन करते हुए आज हम यहाँ पर यात्रा का एक पड़ाव लगा रहे हैं। जय भोले,